By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 17 वीर कुंवर सिंह। तो इसके अंदर कुंवर सिंह की पूरी कहानी है, उसको शुरू करते हैं। तो ईयर 1857 के अंदर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीरों ने हिस्सा लिया था उनमें से एक वीर कुंवर सिंह भी थे। इनका जन्म ईयर 1782 में बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता जगदीशपुर के अंदर जमींदारी करते थे। जमींदारी मतलब कि ज़मींदार थे, ज़मीन थी उनके पास बहुत सारी, तो वहां पर खेती वगैरह करवाया करते थे। लेकिन अपनी ज़मींदारी हासिल करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था, मतलब उनके पिता को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में कुंवर सिंह को सही देखभाल नहीं मिली, मतलब उनका अच्छे से बचपन नहीं गुजरा। उनकी शिक्षा दीक्षा भी घर पर ही करी गई, मतलब व्यवस्था जो उनकी शिक्षा दीक्षा की थी वो घर पे हुई, जहां उन्हें हिंदी, संस्कृत, फारसी सिखाई गई। फारसी किसे बोलते हैं हम लोग, फ्रेंच को। तो ये सारी लैंग्वेजेस उन्हें सिखाई गई। पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। मतलब तब फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो उनको यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। ईयर 1827 में पिता की मृत्यु के बाद उन्हें रियासत में ज़मींदारी संभालने को मिली, मतलब कि जब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी ईयर 1827 के अंदर, तब उन्हें ज़मीन दे दी गई और बोला गया कि बेटा अब तुम इस ज़मीन को संभालोगे, क्योंकि अब उनके पिता के बाद वही थे। उस समय अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, लोगों ने उनके विरोध गहरा असंतोष था, मतलब लोगों बहुत ज़्यादा असंतोष थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थे अंग्रेज़। बोलते थे कि यार अंग्रेज़ तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। कृषि, उद्योग, व्यापार आदि का बुरा हाल था, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी कृषि वगैरह की। कृषि हम लोग किसे बोलते हैं, कृषि बोलते हैं हम लोग जो भी ये काम होता है हमारा फसलों के रिलेटेड, इसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली। उद्योग भी इसी टाइप से हो गया, बिजनेस टाइप हो गया, व्यापार की भी ऐसी हालत हो गई थी। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या हो गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी अंग्रेज़ों की वजह से। भारतीयों के साथ नौकरी, काम धंधे आदि में भेदभाव भी किया जाता था। तो ये जो था भेदभाव करा जाता था, जैसे क्या करा जाता था कि अच्छी अच्छी नौकरियां अंग्रेज़ों को ही देते थे, अपने लोगों को देते थे, और जो हम लोग भारतीय होते थे इन्हें पियोन वगैरह की नौकरी दे देते थे। वैसे तो नौकरी कोई भी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें ज़्यादातर अच्छी नौकरियां नहीं देते थे। इन कारणों से देश के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष था, लोग कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था, सब लोग परेशान थे। और स्थिति उत्पन्न हो गई थी इस तरीके की कि लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। अब कुंवर सिंह भी सब लोगों में से एक थे जिन्होंने डिसाइड करा कि मैं भी ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। जगदीशपुर के जंगलों में बांसुरिया बाबा थे एक, वो काफ़ी ज़्यादा सिद्ध संत थे, लोग उनके पास जाया करते थे, और उन्हीं ने देशभक्ति के बारे में लोगों को सिखाया और बताया। उनमें से एक जो कुंवर सिंह थे उनको भी प्रेरणा मिली बहुत ज़्यादा, वो क्या हुए, मोटिवेट हुए देशभक्ति को लेकर। और ईयर 1845 से लेकर 1846 तक वो गुप्त रूप से सक्रिय रहे। सक्रिय विरोधी मतलब कि किसी को पता भी नहीं चला कि वो विरोध कर रहे हैं अंग्रेज़ों का, लेकिन वो चुपचाप कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बनाते रहे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, और वो इन योजनाओं में सफल भी हुए, कई बार असफल भी हुए। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठक बनाया। बैठक किसे बोलते हैं हम लोग, मीटिंग जहाँ पर करते हैं, जहाँ पर सब लोग मीटिंग करते हैं, उस जगह को उन्होंने क्या करा, एक जगह थी सोनपुर, वहाँ पर उन्होंने अपनी मीटिंग के लिए इलाका बनाया, इसको चुना। 25 जुलाई 1857 के अंदर दानपुर की सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया, और सैनिक से सोना जो नदी थी उसे पार कर कहाँ पर चल पड़े, आरा जेल की तरफ। उन्होंने कुंवर सिंह की जयकार करते हुए आरा जेल के जो सलाखें थी उन्हें तोड़ दिया, और जितने भी कैदी थे उन्हें आज़ाद कर दिया। अब कैदियों को क्यों आज़ाद करा, क्योंकि जो पहले
ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बोलता था ना, अंग्रेजों के अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलता था तो वो उन्हें जेलों के अंदर बंद कर देते। तो यहाँ पर क्या करा था उन्होंने, जेल से आज़ाद कर दिए जितने भी कैदी थे। 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। जो ये जो पूरी उन्होंने विजय प्राप्त करी थी, इसकी वजह से क्या हुआ था कि एक विद्रोह क्रांति शुरू हो गई थी। मतलब एक तरीके से एक मूवमेंट बोल सकते हैं, एक एक्टिविटी बोल सकते हैं। जैसे कि लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अब उन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट कुछ करना चालू करा तो और लोगों के अंदर भी हिम्मत आ गई और इसी वजह से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया। सैनिकों में अनुशासन की कमी थी, स्थानीय जमींदारों में एकता की भी कमी थी और आधुनिक शस्त्र भी नहीं थे। इसी की वजह से जो जगदीशपुर था वहाँ पर पतन जो था उसे रोका ना जा सका। मतलब वहाँ पर अटैक जो हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, उसे वो रोक नहीं सके। 13 अगस्त को जगदीशपुर के कुंवर सिंह की सेना अंग्रेज़ों से परास्त हो गई। परास्त का मतलब ये हो गया कि वो हार गई, उसकी हार हो गई, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी, बिल्कुल भी उसने हार नहीं मानी कुंवर सिंह जी ने। वे आगे की योजना बनाने लगे, उन्होंने आगे का कुछ प्लान बनाया और वह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक पहुंच गए। वहां अशांति देखकर वो आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर लिया। उन्होंने कि आजमगढ़ मैं चले जाता हूं, आजमगढ़ एक जगह का नाम है। पूरे उत्तर भारत में उनकी क्रांति फैल गई, लोग उनकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन करने लगे और उनकी विजय यात्रा ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। 22 मार्च 1858 के अंदर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर आधिकारिक तरीके से कब्जा कर लिया। मतलब उन्होंने उस चीज़ को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, उस चीज़ के ऊपर राज करने लग गए। 23 अप्रैल 1858 को आज़ादी की विजय का क्या हुआ, वहाँ पर क्या करा गया, वहाँ पर झंडा फहराया गया। क्या हुआ कि अब उन्होंने जो अंग्रेज़ों का झंडा था वो वहाँ से निकाल दिया और ये बोला कि यहाँ पर अब आज़ादी हो गई, अब हम अंग्रेज़ों से नहीं दबके रहने वाले। उसी दिन विजय उत्सव भी मनाया गया, लोगों ने अंग्रेज़ों का झंडा उतार कर अपने झंडे फहराए। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को ये वीर जो थे, जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी थे, ये संसार से विदा हो गए। मतलब इनकी डेथ हो गई, अब ये और नहीं रहे। कहा जाता है कि एक बार कुंवर सिंह सेना सहित गंगा पार कर रहे थे, अंग्रेजी सेना को चकमा देने के लिए उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करेंगे। फलस्वरूप अंग्रेज सेनापति डगलस ने अपनी सेना को ये आदेश दिया कि बलिया गंगा तट पर उनकी राह देखो, फटाफट वेट करो उनका, और वो भी वहाँ पर पहुँच गए। उसे चकमा देते हुए बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर में ही कुंवर सिंह ने अपनी सेना को नाव गंगा तट से पार करा दी, गंगा पार करा दी अपनी नावों से, अब जो भी उनकी सेना थी उसे, ठीक है। डगलस को खबर मिली कि अरे वो तो वहाँ पर है, दूसरी जगह पर है, शिवराजपुर में है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग भी वहीं पर जाते हैं और वहीं पर पकड़ लेंगे कुंवर सिंह जी को। तो डगलस को खबर मिली तो वो भागा वहाँ आया। उस समय अंतिम नाव, मतलब जो बिल्कुल लास्ट बोट थी, वो किसकी थी, कुंवर सिंह की थी, और वो खुद उसके अंदर बैठे हुए थे, गंगा पार कर रहे थे। डगलस ने उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जोर जोर से गोलियां चलाने लगा। एक गोली अचानक से कुंवर सिंह जी की बाई हाथ के अंदर लग गई और वो गोली लगने की वजह से उनके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो उन्होंने क्या करा, उस गोली का जहर ना फैले हाथ के अंदर, इसलिए उन्होंने अपने हाथ को काट कर गंगा के अंदर भा दिया, या फिर गंगा के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि अर्पित कर दिया, गंगा जी को दे दिया। वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन में कहीं सामाजिक कार्य करे थे, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम करे थे। उनमें से आरा जिले में एक स्कूल भी उन्होंने बनवाया था, उसकी ज़मीन दान दी थी। स्कूल बनाने के लिए उन्होंने बोला था कि ये मेरी ज़मीन है, ये मैं दान दे रहा हूँ, इसके ऊपर स्कूल बनवा दो। और वो आजीवन निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते रहे, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था उनकी हमेशा वो हेल्प करते रहे। पता नहीं अपनी लाइफ के अंदर कितने टाइम तक उन्होंने हेल्प करी। उन्होंने आरा जगदीशपुर तथा आरा बलिया सड़क का निर्माण कराया। तो उन्होंने आरा जगदीशपुर
जो रोड थी उसका भी निर्माण कराया और आरा बलिया का भी निर्माण कराया। जिले के अंदर वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने लगे। उन्होंने कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए, जिससे कि लोगों की क्या हो पाए, पूर्ति हो पाए, जिला पूर्ति हो पाए। इसके साथ साथ वो एक उदार संवेदनशील व्यक्ति भी थे। उनके यहाँ हिंदू मुस्लिमों के एक साथ त्यौहार मनाए जाते थे। उन्हें पाठशाला तथा मकतब भी बनाने का शौक था, तो वो मकतब भी बनवाते थे, पाठशालाएं भी बनवाते थे। ठीक है, उनकी लोकप्रिय लोकगीत जो है वो आज भी बिहार की कई जगहों पर गाए जाते हैं, मतलब लोग आज भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। क्या आप भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के फ़ैन हैं? अगर फ़ैन हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।